लगातार अगर आप इसको पीते हो कुछ दिन तक, तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एकदम से बैलेंस हो जाएगा, ना कम रहेगा ना बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बड़ा हुआ या कम हुआ दोनों ही खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए। तो इसी तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूरिक एसिड का एक ऐसा फॉर्मूला जिसको फॉलो करके आप अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को बैलेंस कर सकते हो। बड़ा हुआ यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो हमें अपने यूरिक एसिड को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए बॉडी में, या ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो चलो आज एक बहुत ही नेचुरल सा फॉर्मूला शेयर करूंगी जिसको फॉलो करके आप यूरिक एसिड को कंट्रोल में ला सकते हो। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए गैस ऑन किया मैंने और गैस पर रख दिया पैन। पैन में आधा गिलास पानी डाला है मैंने और इस पानी में मैंने ऐड करना है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर या दालचीनी की स्टिक आप इस्तेमाल में ला सकते हो। दालचीनी के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो आपके यूरिक एसिड को बैलेंस करने में हेल्पफुल रहते हैं। बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे। तो इस पानी के अंदर मैंने दो छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दिए, एक चम्मच सौंफ डाल दी है। दोनों ही इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त है जो आपके सिस्टम को भी मजबूत करेगा, प्लस आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को टॉक्सिन्स के थ्रू जो है ना फ्लश आउट करेगा। तो यूरिन जितना आपको आएगा उतना ही यूरिक एसिड का जो बैलेंस है ना वो इक्वल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा यानी कि। तो अब ये जितना पानी हमने लिया था उससे थोड़ी सा कम हो जाएगा, पकने लगेगा, जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो गैस बंद कर दीजिएगा और इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा। स्ट्रेन करने के बाद आप इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा और ठंडा करके आपने इस ड्रिंक को मॉर्निंग में खाली पेट सिप सिप करके पीना है और एक बार इवनिंग में भी आप इसको पी सकते हो। दिन में दो बार भी पी सकते हो या फिर आप अपनी मर्जी से दिन में एक बार पी लीजिए। लगातार अगर आप इसको पीते हो कुछ दिन तक, तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एकदम से बैलेंस हो जाएगा, ना कम रहेगा ना बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बड़ा हुआ या कम हुआ दोनों ही खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए। तो इसी तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, आई होप आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और इस फॉर्मूले को फॉलो करने के साथ साथ गर्मी का मौसम है, साथ साथ पानी खूब पीना है और अपनी जो प्रोटीन हैवी प्रोटीन है उसको कम करना है बॉडी के अंदर। तो जो हैवी डाइट लेते हैं प्रोटीन वाली, वो अपनी प्रोटीन डाइट कम कर दीजिए। दालें छोले राजमा पनीर वगैरह ये बहुत कम कर दीजिए, तब जाके आपको इस फॉर्मूले का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।